वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। सो ये जो है फैशिनो 125 A5 हाइब्रिड इंजन 2023 न्यू मॉडल, जो काफ़ी चेंजेस के साथ आया है। एंड इसका दो वेरिएंट होते हैं, एक है ड्रम वेरिएंट एंड एक होता है डिस्क वाला वेरिएंट। सो ये जो वेरिएंट है ये है डिस्क वाला वेरिएंट। इसमें टोटल आपको 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, कूल ब्लू एंड सिल्वर डार्क डार्क मैट ब्लू। सो ये जो है ये है डार्क मैट ब्लू। फ्रंट प्रोफाइल से ये जो स्कूटी देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। एंड यहाँ पे आप लोग गौर कर सकते हैं, जो हेडलैम्प यूनिट है वो एलईडी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। मिडिल में एक बार जैसे दिया गया है और पूरा ही यूनिट एलईडी है। और इसके साथ साथ ये ब्लैक का जो कम्बिनेशन है देखने में बहुत ही अच्छा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये जो पोर्शन है ये हार्ड प्लास्टिक पोर्शन है। और अभी आते हैं इसका नॉच के तरफ। सो ये जो नॉच है ये प्लास्टिक का नॉच है, यहाँ पे नंबर प्लेट बैठेंगे। और यहाँ पे जो आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, लेफ्ट राइट साइड एंड लेफ्ट साइड जो इंडिकेटर्स, दोनों इंडिकेटर्स आपको हैलोजिन में कंपनी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे एक यामाहा का लोगो आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये जो फ्रंट मडगार्ड है, ये फ्रंट मडगार्ड आपको मेटल मिलने वाला है। तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। एंड इसका जो डिस्क ब्रेक है, नॉर्मल डिस्क ब्रेक 190 mm इसका साइज है। एंड फ्रंट जो टायर है इसका साइज है 12 इंचीज, दोनों टायर आपको मिल जाते हैं ट्यूबलेस। एंड फ्रंट जो टायर है उसका साइज है 90 mm। ये है राइट साइड प्रोफाइल इस स्कूटर का। सो यहाँ पे जो फंक्शन है, मैं पहले ये फंक्शन के बारे में बात कर लेता हूँ। सो जो की है वो देखने में कुछ ऐसे आते हैं यामाहा का ब्रांडिंग के साथ। फर्स्ट आपको की को ऐसे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद ये जीरो पोजिशन में है। अगर आपको स्टार्ट देना है तो आप इसको लेके राइट साइड में ऐसे जस्ट मोड़ेंगे, आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ चेंजेस ऐसे देखने को मिलता है। देन आपको क्लच को प्रेस करना है और आपको सेल्फ स्टार्ट देना है। सो इसको ऑन करना है, देन ये सेल्फ स्टार्ट आप देंगे। सेकेंड, इसका अगर आपको सीट लीड ओपन करना है तो इसको फिर न्यूट्रल में इस पोजीशन में लेके आइए। नॉर्मल आपको लेफ्ट साइड में ऐसे मोड़ना है। तो एक आवाज़ सुन सकते हैं, सीट लीड इसका ओपन हो गया। सो इसका जो सीट है काफ़ी कंफर्टेबल एंड वाइड सीट है, जो काफ़ी इजीली जो पैसेंजर्स हैं वो बैठ सकते हैं। और इसके साथ साथ इसका जो ग्रैब हैंडल है वो भी काफ़ी बढ़िया ग्रैब हैंडल है। सो मैं अगर इसका सीट लीड ओपन करूं, सो यहां पे टोटल 21 लीटर का सीट स्टोरेज अंडर स्टोरेज मिल जाते हैं। और उसी के साथ साथ आपको यहां पे E20 इथेनॉल जो नया नॉर्म आया है इसका ब्रांडिंग भी इधर मिल जाते हैं। यहां पे ये है फ्यूल लीड और टोटल 5.2 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी आपको मिल जाते हैं। और 66 किलोमीटर माइलेज कंपनी क्लेम करते हैं। सो इसको बंद कर देते हैं, सिंपली आप इसको लेना है, लेके बस ऐसे प्रेस कर देना है। सो अगर रेयर प्रोफाइल में बात किया जाए, ये जो सेक्शन है पूरा एलईडी कंपनी प्रोवाइड किया है। यहाँ पे यामाहा का एक बैजिंग मिल जाते हैं और फैशिनो का एक बैजिंग राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में मिल जाते हैं। और यहाँ पे 1, 2, 3 रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं नंबर प्लेट के साथ। ये है इसका एग्जॉस्ट का लुक। अभी रेयर जो टायर है वो वाइड टायर है एंड 12 इंचेस का टायर है। इसका जो साइज है 110 mm का। एंड रेयर में जो ब्रेक है वो है ड्रम ब्रेक। एंड रेयर जो सस्पेंशन है वो नॉर्मल यूनिट स्विंग सस्पेंशन कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ये है इसका लेफ्ट साइड प्रोफाइल। ये आप लोग देख सकते हैं किक स्टार्ट ऑप्शन के साथ ही आते हैं। डबल स्टैंड, सिंगल स्टैंड, ऑटो स्विच आपको मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल अगर ये स्कूटी देखा जाए बहुत ही प्यारा है एंड बहुत ही अच्छा है। 125 cc A5 हाइब्रिड एयरकूल 4-स्ट्रोक शॉक 2-वाल्व इंजन मिल जाते हैं, जो मैक्सिमम 10.3 न्यूटन मीटर एंड मैक्सिमम पावर 8.2 पीएस का पावर ये जनरेट कर लेती है। तो टोटल सीट हाइट मिल जाता है 780 mm, व्हील बेस 1280 mm, विड्थ मिल जाते हैं 99 kg एंड ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मिल जाते हैं 145 mm।